तो हेलो फ्रेंड, क्या अपने गोल्डबर्ग भी जाने वाले हैं AEW में? हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए फैक्ट फैक्ट वीडियो लाता रहूँगा WWE से। जैसा आप सभी को पता है कि भाई बहुत टाइम से ये मजा आ रही थी कि भाई गोल्डबर्ग के लिए एक मैच आना चाहिए WWE में, जो कि उनका लास्ट मैच करना चाहते थे वो। उससे पहले बात करें, ये WWE की एक सुपरस्टार है जो होगी हॉल ऑफ फेम में थी, पर अब इनके साथ बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि इनके ऊपर कोई केस लगा है। केस के चक्कर में भाई ये अब 25 साल के लिए जेल में जा चुकी हैं। तो भाई अब इनके लिए भाई बहुत बुरा लग रहा है। अब आप सभी को पता होगा कि 50 तक की तो आराम से होंगे ये, और 50 की 25 इनकी एज होगी, तो भाई लगता है इनकी सारी ज़िंदगी भी भाई जेल में जाने वाली है। तो इस पर आपका क्या राय है, कमेंट करके सभी से शेयर करना। ऐसा आप सभी को पता है कि भाई जेल का मामला बहुत ही बेकार होता है। उसके बाद बात करने वाले हैं हम सेमी जेन और रोमन रेंस की। जैसा आप सभी को पता है कि सेमी जेन ने एक अपडेट दिया है कि उन्होंने बोला था कि हेलिना सेल में जब इनका मैच हुआ था, तो भाई आपको बता दें कि सेमी जेन को भाई चैंपियन बनने के लिए बोला ही नहीं गया था। तो भाई आप समझ लो भाई सेमी जेन को कितना बुरा लगा होगा कि उनको एक चैंपियन नहीं बनाया नहीं गया है। और उसके बाद आप सभी को पता होगा कि ब्लड लाइन को तो ब्रेक किया था सेमी जेन ने। उससे पहले भाई स्टोरी लाइन कितना मस्त चल रहा था, ब्लडलाइन का भाई बहुत मस्त चल रहा था। मैंने तो भाई ये बहुत इन्जॉय किया था, आपने नहीं किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, पर आपको बता दूँगा भाई सबसे पहले तब बहुत मज़ा आ रहा था, तब ब्लड लाइन ब्रेक करने वाले थे तो सेमी जेन। आप सभी को बता दूँगा भाई ये तो WWE की कहानी है, कुछ भी करवाता रहता है रेसलर प्रॉपर। हाँ, और आपको एक और न्यूज बात बता दूँ, क्योंकि सेमी जेन की जो नी इंजरी थी, कोहनी में इंजरी हो गई थी, उसकी भाई अपडेट निकल के बाहर आई है कि वो अभी रेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। आप सभी को बता देंगे भाई जॉन सीना ने भी ये बोला है कि इनकी इंजरी बहुत सीरियसली है। आगे हम बात करने वाले गोल्डबर्ग के बारे में। जैसा आप सभी बताए कि गोल्डबर्ग ने रोमन रेंस से फाइट करने के बाद भाई विंस मैकमैन से बोला था कि वो एक और मैच रेसल करेंगे WWE में, पर विंस मैकमैन ने भाई इनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि रोमन रेंस इतनी हाइप पे ले गए WWE को, तो मतलब वो समझ रहे हैं कि वो WWE रोमन रेंस की वजह से चल रही है, पर उनको ये नहीं पता है कि पहले भाई गोल्डबर्ग की वजह से, स्टॉन्ग कोल्ड की वजह से, कैन की वजह से, अंडरटेकर की वजह से चलती थी। तो आपको बता दूं कि इसलिए WWE वाले गोल्डबर्ग को कुछ अहमियत नहीं दे रहे, तो इसलिए उन्होंने खुद सोचा है कि भाई वो इसराइल जाएंगे, कुछ मैच रेसल करेंगे, खुद मैच रेसल करेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक रेसलर के बस की बात नहीं होती ये सब चीज़ अरेंजमेंट करना। उसके बाद फिर भाई गोल्डबर्ग ने फाइनल डिसीजन ले लिया कि मैं अब मैं मुझे WWE छोड़ के AEW में जाना पड़ेगा, क्योंकि उधर वो बहुत मोटा पैसा दे रहे हैं गोल्डबर्ग को, और उनका मैच जो वो चाहें उस रेसलर से लड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो भाई गोल्डबर्ग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इसलिए वो जा रहे हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कोडी रोड्स के बारे में। कोडी रोड्स ने बोला कि भाई तो मुझे अभी तक वो मौका नहीं मिल पाया जिसकी मैं तलाश में था, और ना ही मुझे वो मुकाम मिला है जिसकी मैं तलाश में यहाँ पर आया हूँ। तो आप सभी समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने वाला हूँ, तो वो आप सभी का सीधा इशारा जा रहा है रेसलमेनिया 40 की तरफ। तो भाई रेसलमेनिया 40 में भाई कोडी रोड्स का मैच होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले समय बताएगा, पर रोमन रेंस को अगर सबसे लॉन्गेस्ट रेन वाला टाइटल बनाना है तो उनको 4 साल तक और चैंपियन बने रहना देना चाहिए, क्योंकि 1726 का लॉन्ग टाइटल रेन है, उसको तोड़ना पड़ेगा रोमन रेंस को, पर इतने दिनों तक कौन देगा इनको ये भी चैंपियन को। तो इसलिए भाई कोडी रोड्स को चैंपियन बना देना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और आप सभी को बता दूँ कि जब भी मैं इंडियन रेसलरों को देखता हूँ तो भाई मेरे को हंसी सी आती है, पता नहीं क्यों यार, बुरा लगता है बहुत, क्योंकि इनको आप सभी को पता होगा जिंदर माल को और वीर मान को कुछ महीने के लिए बुक करते हैं, उसके बाद पता नहीं ये कहाँ गायब हो जाते हैं, पता नहीं इंडिया आ जाते हैं वापस, क्या करने आ जाते हैं वाराणसी में, ये वापस आ जाते हैं। उसके बाद भाई आप सभी को पता होगा कि बुक करने के बाद फिर बुक करते हैं, फिर आ जाते हैं। आप सभी को बता दूं कि भाई अब WWE में पता नहीं क्या चल रहा है, इधर ये रोमन रेंस के लिए कोई नो चैलेंजर मिल रहा है अभी तक इनके लिए, तो समझ स्लेम से कितना टाइम हो गया अभी तक इनको कोई चैलेंजर नहीं मिला है। पर आप सभी को बता दूँ कि सभी जब पहले सन 2021 ऐसा साल था कि भाई ये रोमन रेंस एक से लड़के अलग नहीं हो रहे, तो उसके बाद दूसरा रेसलर आता था जाने के लिए, पहले एज आ गए, फिर उसके बाद जॉन सीना आ गए, जॉन सीना को हराया तुरंत, तो भाई अपने बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर आ गए, फिर ब्रॉक लेसनर ने भाई तब जॉन सीना को रोमन रेंस को चैलेंज किया था, उसके बाद भाई तुरंत उन्होंने जॉन सीना पे अटैक कर दिया था। पर पता नहीं भाई ये जॉन सीना ने के ऊपर अटैक करना WWE ने बोला था या फिर उन्होंने स्वयं किया था, पता नहीं, पर भाई ये मोमेंट बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि भाई जॉन सीना देखते रह गए थे, वो सोच रहे थे कि मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा, फिर भी ब्रॉक लेसनर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। तो आपको ये मूवमेंट कैसा लगा, और आपने ये देखा या नहीं देखा कमेंट करके सभी से शेयर करें। भाई मेरे को बहुत मज़ा आया था तब ये मूवमेंट हुआ था, क्योंकि भाई बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर कभी किसी नहीं चुनता, उसका वो मन करता है वो करता है,
आप सभी को बता दूंगा, देखो ये जो रेसलर हैं सभी AEW के रेसलर हैं और ये सभी रोमन रेंस को एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो आप समझ लो कि भाई रोमन रेंस का कितना जलवा चल रहा है इस टाइम पे। बताओ AEW के दूसरी कंपनी जो कि इसके अदरवाइज काम करती है वो भी उनके रेसलर भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो आगे अपडेट आया है भाई लोगन पॉल की तरफ से, लोगन पॉल ने बोल के मुझे भाई जो स्टील केज मैच होता है उसके ऊपर से कूदना है। पता नहीं लोगन पॉल क्या क्या करते रहते हैं यार, पता क्या क्या करने के ऊपर तुले हैं। बताओ स्टील केज में ऐसे पहले कूदते थे, अब WWE में अब थोड़ी ना कूदते हैं, पता नहीं ऊपर वो बोल रहे हैं कि अभी भी मेरे को कूदना है। देख लो और यूट्यूबर कैसे हैं जो ऊपर से कूद रहे हैं, और अपने इंडियन यूट्यूबर को देख लो जो बोल रहे हैं कि एलवीस यादव पता नहीं क्या लगा रखा है, एलवीस यादव सिस्टम पता नहीं क्या। अरे वो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, तुम अपने लिए करो। अब आगे बात करते हैं हम रिडल के बारे में और ड्रू मैकइंटायर के साथ भाई इतना बुरा हो रहा है WWE वाले, इतना बुरा करने के भाई किसी के साथ नहीं कर रहे होंगे। आप सभी को बता दूँ तब तक एंडी ऑर्टन रिटर्न नहीं आते उससे पहले भाई ड्रू मैकइंटायर शायद रिडल के साथ काम करने वाले टैग टीम के तौर पर। तो भाई आप सभी को बता दूँ कि भाई तब तक रिडल और ड्रू मैकइंटायर साथ रहेंगे तो भाई एंडी ऑर्टन मुश्किल ही आएंगे, और रिडल और एंडी ऑर्टन नहीं आए ना तो भाई अपने ड्रू मैकइंटायर का भाई करियर खत्म होता दिख रहेगा मेरे को, क्योंकि ऐसा काम करने से क्या फ़ायदा। और नेक्स्ट अपने बात करने वाले एज के बारे में, भाई एज के बारे में एक अपडेट निकल के आया है, चूँकि स्मैकडाउन पे इनका मैच होने जा रहा है, वो मुझे लग रहा है कि वो लास्ट मैच होने वाला है एज का अपने, उसके बाद ये कभी मैच रेसल नहीं करेंगे WWE में। तो ये अपडेट भाई बहुत दिनों से निकल के आया था, पर अब मैं आपको ये क्लियर कर दे रहा हूँ कि अब एज इसके बाद कोई मैच रेसल नहीं करेंगे। तो मुझे तो भाई बहुत बुरा लग रहा है एज के बारे में, क्योंकि बताओ उनके लिए ऐसा मैच दिया जा रहा है, बताओ ऐसे उनका रिटायरमेंट किया जा रहा है एक स्मैकडाउन पे। इनका रिटायरमेंट तो किसी बड़े शो पे अब करना चाहिए था, WWE वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं। कमेंट करके सभी साथ शेयर कर गए, अच्छी लगी तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।